20 अगस्त को छात्र नेता एवं पूर्व विधायक स्वर्गीय रविंद्र सिंह की 39वीं पुण्यतिथि के अवसर पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन गोलघर स्थित उनके आवास पर किया गया। श्रद्धांजलि सभा में राजनीतिक दलों के लोग और छात्र नेताओं ने स्वर्गीय रविंद्र सिंह की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दिया। गरीबों के मसीहा और विराट हृदय के धनी स्वर्गीय रविंद्र सिंह के व्यक्तित्व पर प्रकाश डालते हुए अतिथियों ने कहा, इस अवसर पर भारी संख्या में छात्र नेता और राजनीतिक दल के लोग मौजूद रहे। गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए पूर्व महामंत्री दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय धीरज सिंह हरीश ने कहा, शहीद रविंद्र सिंह की जी धर्मपत्नी श्रीमती गौर सिंह जी यहाँ उपस्थित है, उनसे अनुरोध करूंगा। तो हम लोगों के बहुत प्रिय हैं, नेताजी के भी बहुत प्रिय थे, तो उनसे अनुरोध है कि वे आए और नेताजी को अपने सभी छोटे भाई करके उन्हें श्रद्धांजलि देने की जो प्रक्रिया है उस श्री धीरज सिंह हरीश जी हैं, उनसे अनुरोध है एक और आश्चर्यजनक चीज समझेंगे कि अस्पुजा जी के पिताजी ओके साहब नेताजी के अत्यंत ही सन्निकट अनुयायी में ये सब लोग एक ही इलाके के लोग और नेताजी के साथ साथ राज पढ़ाए अध्ययन के साथ साथ ये लोग राजनीतिक जो वातावरण था देश में प्रदेश में उसमें भी साथ साथ काम करने का अपने छात्र जीवन से लेकर के और युवा पीढ़ी तक सबको प्रभावित करने का काम हमने अपने तरह से किए हुए हैं। मैं आप लोगों के बीच में बाधा नहीं करना चाहता, मैं आप लोगों की स्मृतियों को सुनना चाहता हूँ और आप लोगों को ये अवसर प्रदान किया जाता है। सबसे पहले मैं गोरखपुर विश्वविद्यालय छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष पूर्व विधायक नेताजी के अनन्य सहयोगी आदरणीय राजमणि पांडे से अनुरोध करूंगा कि वे आए। पति राम त्रिपाठी जी हम लोगों के सबसे प्रिय है, सबसे प्रिय है। और मुझे याद है कि जब हम लोग गोरखपुर विश्वविद्यालय में छात्र संघ के अध्यक्ष रवि सिंह जी थे, बाद में मैं भी हुआ, हम लोग इनके चुनाव में महात्मा गांधी इंटर कॉलेज के छात्र संघ के चुनाव में तन्मयता के साथ जाकर इनको चुनाव में विजयी बनाने का काम किए थे। उसमें स्वर्गीय रवि सिंह जी का सबसे बड़ा योगदान। आज राजनीति के उतार चढ़ाव के बारे में मैं कोई चर्चा नहीं करना चाहता, क्योंकि हम लोगों की उम्र अब ज्यादा हो गई है। 75 साल की मेरी उम्र हुई है और शायद इसमें जितने लोग बैठे हैं हमसे 4 साल कोई कम होगा, ज्यादा तो नहीं कोई हो सकता। आज की राजनीति में और तब की राजनीति में जमीन आसमान का फर्क। स्वर्गीय रविंद्र सिंह संघर्ष के कोख से पैदा हुए थे, विचार से पैदा हुए थे और समर्थ भाव से पैदा हुए। स्वर्गीय रविंद्र सिंह के बारे में एक किताब लिखी जा सकती है, जितना हमारे उनके जीवन में या हम लोगों के जीवन में किस तरह के उतार चढ़ाव आए अगर हम चर्चा करें तो शायद बहुत ही लंबी कथा हो जाए। एक बार आप यहाँ सब जितने लोग बैठे हैं मैं उतनी बड़ी बात कह रहा हूँ लेकिन उसको ये मत अन्यथा लेंगे कि हम थोड़ा बहक के बोल गए। हम लोग भगवान राम की कथा पढ़ते हैं। रामचंद्र जी ने जब रावण का वध करने का संकल्प लिया तो उनके साथ रीच बंदर और समाज के जो सबसे तिरस्कृत और बहिष्कृत लोग थे उनको लेकर उन्होंने रावण के साथ युद्ध करने का काम किया और राक्षसी प्रवृत्ति का नाश करने का काम किया। तब तबके के लोग थे उनको लेके उन्होंने राजनीति की जो विषमता थी उसको खत्म करने के लिए एक घटना मैं जिक्र कर
हो रहा है। ये शहीद रविंद्र सिंह की 39वीं पुण्यतिथि मनाई जा रही है, जिसे इस पूर्वांचल ही नहीं इस उत्तर प्रदेश का छात्र नौजवान अपना आदर्श मानता था स्वर्गीय रविंद्र सिंह को, और इस गोरखपुर विश्वविद्यालय के साथ साथ ही पूर्वांचल में पूरे उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों की राजनीति स्वर्गीय रविंद्र सिंह के सिद्धांतों और उनके आदर्शों पर चलती थी, और आज भी उनको स्वर्गीय रविंद्र सिंह जी को पूर्वांचल का छात्र नौजवान अपना मसीहा मानता है। तो आज के दिन को हम लोग शहीद दिवस के रूप में छात्रों नौजवानों के द्वारा मनाया जाता है, और छात्र नौजवान आज के दिन यह प्रेरणा लेते हैं कि वह एक नई ऊंचाई और नए एक आयाम को स्वर्गीय रविंद्र सिंह के आदर्शों के द्वारा प्राप्त करने का कार्य करेंगे। का वध किया था तो नई उम्र के क्या उनका देश के गौतम बुद्धा ने जब मानवता का संदेश दिया था तो स्वर्गीय रविंद्र सिंह एक सामान्य किसान परिवार से निकल करके गोरखपुर के सेंट एंड्रयूज डिग्री कॉलेज से उन्होंने छात्र राजनीति की शुरुआत की, और लगातार अनवरत गोरखपुर विश्वविद्यालय छात्र संघ के महामंत्री रहे, अध्यक्ष रहे, लखनऊ विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष रहे। 1977 में उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य बने, जनता पार्टी की सरकार के उसमें भी वो उत्तर प्रदेश की विधानसभा में सदस्य थे। स्वर्गीय रविंद्र सिंह ने सर्वप्रथम छात्रों नौजवानों की राजनीति से अपनी राजनीति को शुरू करने का कार्य किया था, उसके बाद कौड़ी राम से वह विधायक चुने गए, जहाँ छात्रों नौजवानों किसानों मजदूरों मजलूमों सबकी राजनीति करने का काम किया, और गोरखपुर को ही नहीं इस पूरे पूर्वांचल को एक नई दिशा देने का काम स्वर्गीय रविंद्र सिंह ने किया था।